हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बोपचे सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बेटा हम देखने वाले हैं पीएटी का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे आज किड वन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक्स। क्या देखने वाले हैं बेटा? किड वन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है। तो इस चैप्टर की चलिए बहुत जल्दी से शुरुआत करते हैं। लिखा है किड वन फर्मेंटेशन क्या होता है। पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही सामान्य तरीके से समझने वाले हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए बोर्ड की ओर, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, तो किड वन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे कि किड वन होता क्या है, कैसे होता है, पूरी जो जानकारी देने वाले, सबसे पहले जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लुईस पास्चर। कौन थे बेटा? लुईस पास्चर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में जानकारी दी थी? किड वन के बारे में जानकारी दी थी, फर्मेंटेशन के बारे में जानकारी दी थी। बाद में एक वैज्ञानिक आए बुकनर। कौन है वैज्ञानिक बेटा? बुकनर, जिन्होंने 1897 में ये बताया कि किडवन के लिए, किसके लिए बेटा? किडवन के लिए, ठीक है, किडवन के लिए जीव द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। किसकी बेटा? जीव द्रव्य की। किडवन के लिए जीव द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। जीव द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, ये जानकारी दी थी, है ना, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है बेटा। ये जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बुकनर। सन 1897 में इन्होंने ये जानकारी दे दी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो किडवन है क्या, कि किडवन प्रक्रिया है क्या, किडवन में होता क्या है? तो आइए देखते हैं किडवन में होता क्या है। किडवन वह रासायनिक प्रक्रिया, यानी किडवन एक केमिकल रिएक्शन है। करती क्या है? तो जिसमें किसी, है ना, जिसमें क्या होता है, किसी जटिल कार्बनिक यौगिक को, है ना, जटिल, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, अब सूक्ष्म जीव बेटा कैसे हो सकते हैं, तो वो एंजाइम होंगे या फिर कोई नाइट्रोजनी यौगिक भी हो सकता है, नाइट्रोजनी सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। क्या है, फिर से देखिएगा, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जटिल कार्बनिक यौगिक का किसी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, जैसे कि एंजाइम द्वारा, मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होता है। यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में बदल जाते हैं। इसी घटना को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? किडवन या फर्मेंटेशन कहा जाता है, किडवन कहलाती है। यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में, जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में सूक्ष्म जीवों अर्थात एंजाइमों द्वारा धीरे धीरे यानी मंद गति से क्या करते हैं, बदल जाते हैं। जटिल वाले सरल में बदल जाते हैं, क्रिया किडवन कहलाती है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं, देखिएगा किडवन की क्रिया में क्या क्या होता है। तो किडवन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या है बेटा, कि इसमें ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है, ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, यानी जब भी पदार्थ का किडवन होगा तो ऊष्मा हमेशा बाहर निकलेगी, ठीक है। चले आगे की ओर बात करते हैं कि किडवन की क्रिया में ऊष्मा हमेशा बाहर निकलती है, ठीक है। किडवन हमेशा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है, यानी कि हमेशा किडवन की क्रिया जब भी होगी तो सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बिना सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता के किडवन की क्रिया नहीं हो सकती। चले अब बेटा, किडवन करने वाले सूक्ष्म जीव किड्व यानी कि फर्मेंट कहलाते हैं। यानी कि किडवन की क्रिया जो भी सूक्ष्म जीव करता है उसे किड्व कहते हैं या फर्मेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये किडवन की क्रिया के लिए आवश्यक तीन बातें हमने पढ़ा, कि किडवन की क्रिया में एक तो एक ऊष्मा छेपी होती है कि यहां से ऊष्मा निकलती है, दूसरा सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, और तीसरी चीजें ये जिन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती उन्हें किड्व कहा जाता है। अब बात करेंगे बेटा उदाहरण की, तो आइए अगले पेज पर देखते हैं, थोड़ा उदाहरण की बात करते हैं कि उदाहरण क्या है किडवन की क्रिया के लिए। तो बेटा एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से किडवन की क्रिया को समझते हैं।
तो देखिएगा हमने ले लिया है सुक्रोज, है ना, इसका सूत्र होता है बेटा C12H22O11, ठीक है, नाम है इसका सुक्रोज, क्या है बेटा सुक्रोज, ठीक है सुक्रोज, है ना, ये सुक्रोज जो है, ठीक है दिख रहा है सभी को, O11, ठीक है O11, ठीक है बेटा, यहां पर इसका क्या करते हैं जल अपघटन, क्या करते हैं जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट और इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज, ठीक है बेटा ईस्ट और इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति, ईस्ट और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है है ना, क्या मिलता है बेटा C6H12O6 + C6H12, अच्छा यहां दिखेगा नहीं, है ना, ये तो दिख ही रहा है, साथ में मिलता है हमें, साथ में C6H12O6, मतलब बेटा ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज बोल सकते हैं, और एक है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज मिला और एक फ्रक्टोज मिल गया, क्या करें बेटा जल अपघटन। अब आगे ग्लूकोज का C6H12O6 का पुनः क्या करेंगे जल अपघटन, है ना, अब यहां तक की प्रोसेस तो समझ में आई कि सुक्रोज का जल अपघटन ईस्ट और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करे तो क्या बन गया, ये था बेटा सुक्रोज, बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब हेक्सोज सरकरा में बदल गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, ये है ग्लूकोज मान लो या फ्रक्टोज जो भी आप ले ले, है ना, इसका फिर से क्या करेंगे बेटा ईस्ट की उपस्थिति में, किसकी ईस्ट की उपस्थिति में इसका फिर से अपघटन करते हैं, है ना, और यहां पर एंजाइम हो जाएगा जाइमेज, क्या हो जाएगा बेटा जाइमेज। अब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में बदल जाता है, एथिल एल्कोहल में C2H5OH, ठीक है C2H5OH के दो अणु बनाता है और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। अब बैलेंस है कि नहीं वो भी देख लीजिए, तो बेटा यहां बैलेंसिंग बराबर यानी समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो देखिएगा 6 तो 2 × 4 और अच्छा ये भी 2, ठीक है ऑक्सीजन 6 है, यहां देखिएगा 2 निकल गए, यहां देखिएगा 4 निकल गए, अब बाकी चीज ये 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 12, तो देख लो क्या यहां पर 5 × 10 = 11, अच्छा और ये 12, ठीक है बराबर है, ये दो अणु है, सारी चीजें बराबर है, तो ये जो रिएक्शन आपने प्रोसेस देखा यही बेटा क्या है किडवन है, क्या ये किडवन की एक क्रिया है, किडवन का ये उदाहरण है जो कि यहां पर ईस्ट और जाइमेज और इन्वर्टेज जो है ये एंजाइम है जिनकी उपस्थिति में किडवन की क्रिया होती है, ठीक है चलिए आगे की ओर चलते हैं। नोट लिखा हुआ है हमने कि इसके और भी उदाहरण हैं, किडवन की क्रिया के और भी उदाहरण हैं कि जैसे दैनिक जीवन में आप देखते हैं, दैनिक जीवन में जैसे घर में दूध का खट्टा हो जाना, आपके घर में दूध रखा होता है वो खट्टा हो जाता है किसके कारण होता है बेटा सूक्ष्म जीवों के कारण, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं किडवन की क्रिया कर लेते हैं जिससे दूध क्या हो जाता है आपका खट्टा हो जाता है खराब हो जाता है, ठीक है दूध से दही का बनना यानी ये भी एक अच्छा काम है कि दूध से दही बन गया, पर इसके लिए भी सूक्ष्म जीव लगते हैं जिससे कि क्या होता है किडवन की क्रिया होती है और दूध से दही बन जाता है। आगे की ओर आते हैं तो दही से दुर्गंध का आना, आपने देखा होगा कि अधिकांशतः बहुत बार ऐसा होता है कि दही जो है रखे रखे दुर्गंध करने लगता है खराब हो जाता है, तो वो भी किडवन की एक क्रिया के कारण ऐसा होता है। स्टार्च या सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण भी किडवन के द्वारा होता है और एथिल एल्कोहल से सिरके का निर्माण भी किडवन के द्वारा होता है। तो ये जो बेटा प्रोसेस हमने लिखा है ये किडवन की क्रिया के एक उदाहरण है कि ये किडवन की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बहुत ही मजे के साथ बेटा किडवन के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां कि किडवन कब हो सकता है कब नहीं होगा, ठीक है यानी कोई भी पदार्थ में किडवन की क्रिया कब होगी और कब नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहली चीज देखिएगा तो किडवन की क्रिया के लिए जो ताप है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इस ताप पर किडवन की क्रिया होगी, और 70 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हो जाता है तो किडव खत्म हो जाते हैं जिससे किडवन की क्रिया नहीं होगी, यानी ताप 25 से 35 होना चाहिए। दूसरी चीज
सांद्रता कंसंट्रेशन 8-10% तनु विलयन होना चाहिए तभी किण्वन की क्रिया होगी। अगर ज्यादा सांद्र विलयन होगा तो किण्वन की क्रिया नहीं होगी। वायु का संचार यानी कि जिस पात्र में हम किण्वन की क्रिया करा रहे हैं वहां वायु का संचार होना चाहिए, यानी वायु का आदान प्रदान होना चाहिए, वायु वहां पर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। पोषक पदार्थों की उपस्थिति, पोषक पदार्थ किसके लिए? तो बेटा किण्वन की क्रिया जिस पात्र में होती है वहां पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिन्हें हम एंजाइम भी बोलते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि उनको किण्वन की क्रिया करने के लिए, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए कुछ भोजन की भी आवश्यकता होती है, जिससे वो भोजन लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, और वृद्धि से क्या होता है किण्वन की क्रिया ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ऐसा करने के लिए उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट जैसे भोज्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर अपनी वृद्धि कर सके और किण्वन की क्रिया आसानी से कर सके। ठीक है, चलिए। परिरक्षक पदार्थों की अनुपस्थिति, कि परिरक्षक पदार्थ यानी कि किसी भी पदार्थ को सड़ने से गलने से बचाने के लिए उसमें कुछ परिरक्षक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे कि वो सड़ते गलते नहीं है और उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। तो जब सूक्ष्म जीव उत्पन्न ही नहीं होंगे तो किण्वन की क्रिया होगी क्या बेटा? होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब जब बिल्कुल होगी ही नहीं किण्वन की क्रिया, तो परिरक्षक की जरूरत पड़ेगी क्या किण्वन में? नहीं। यानी कि परिरक्षक जो है वो अनुपस्थित होंगे तभी किण्वन की क्रिया होगी। मतलब बात यह है कि परिरक्षक अनुपस्थित हो, और परिरक्षक क्या है? तो जैसे फिनाल, हाइड्रोजन साइनाइड, बोरिक अम्ल, ये परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात ये अनुपस्थित होने चाहिए क्योंकि इनमें इनसे किण्व नष्ट हो जाते हैं, यानी किण्व मर जाते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव है जो किण्वन की क्रिया करते हैं वो मर जाते हैं, उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, है ना। इसलिए किण्वन की क्रिया के लिए ये जो 5 आवश्यक परिस्थितियां ये हमेशा होनी ही चाहिए। ठीक है, चले आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही मजे के साथ किण्वन के अनुप्रयोग, किण्वन की क्रिया के लिए क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या किण्वन की क्रिया के उपयोग है, चलिए ध्यान से समझते हैं। शर्करा एवं स्टार्च से एल्कोहल के संश्लेषण में किण्वन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि शर्करा से या स्टार्च से आपको अगर एल्कोहल बनाना है तो आप किण्वन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर फलों, क्या बेटा? फलों, ठीक है, यहां फलों हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, चले, है ना। फलों, क्या बेटा? फलों के रस, क्या बेटा? फलों के रस से एल्कोहली पेय बनाना है, यानी कि आपको फलों के रस से शराब बनानी है, एल्कोहली पे मतलब शराब बनानी है, तो भी किण्वन का उपयोग। आपने देखा होगा कि जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं बेटा, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति शराब निकालता है तो उससे पहले उसको कुछ दिनों तक वो जमीन के इसमें गाड़ कर रख देता है ताकि थोड़ी वायु वहां जाए और साथ में क्या हो जाए, वो किण्वन हो जाए, जिससे वो जो पदार्थ डालते हैं उससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाती है। ठीक है, चलिए। शर्करा विलयन से, क्या बेटा? शर्करा विलयन से Na2CO3 यानी कि सोडियम सल्फेट की उपस्थिति में ईस्ट के द्वारा ग्लिसराल के निर्माण में, ठीक है, ग्लिसराल के क्या है, निर्माण में, ठीक है। एथिल एल्कोहल से माइकोडर्मी एसीटी जीवाणु, बेटा एथिल एल्कोहल क्या सूत्र है? C2H5OH, ठीक है, क्या है? माइकोडर्मी एथिल एल्कोहल से माइकोडर्मी एसीटी जीवाणु द्वारा सिरके का निर्माण इस क्रिया द्वारा कराया जाता है। सिरका क्या है बेटा? सिरका है एसीटिक अम्ल, CH3COOH। क्या है एंजाइम? माइकोडर्मा, क्या है बेटा? माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसीटी, एसीटी, माइकोडर्मा एसीटी, ठीक है। माइकोडर्मा एसीटी जीवाणु की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल, क्या है बेटा? एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहां पर 1, 2, 3, 4 जो है आपने किण्वन के क्या पढ़ लिया बेटा? अनुप्रयोग यहां पर पढ़ लिया, माइकोडर्मा एसीटी जीवाणु की उपस्थिति में। हाँ, यहां पर ये भी क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है बेटा? ऑक्सीकरण है ना, ये याद रखें, ऑक्सीकरण। तो यहां पर हाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, तो यहां पर बेटा
निकलेगा साथ में जल भी, H2O भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए CH3, ठीक है, CH3 ये हो गया, फिर ये दो कार्बन हो गए, ऑक्सीजन बेटा यहां पर दो, तो ये दो तो यूज हो गए एक इधर, तो ये दो हाइड्रोजन जो बच गए, देखिए 6 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 निकले, 2 यहां पर H2O भी निकलेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण माइकोडर्मा ACT एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाएगा और क्या बना लेगा, सिरके का निर्माण कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस थी, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे थोड़ा आगे बेटा। एसिटिक है ना, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल नहीं, एथिल एल्कोहल, ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में लगभग 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे PAT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला टॉपिक है, अभी जो हमने देखा वो हमारे एक बेसिक टॉपिक थे, ये जो है ये मेन टॉपिक के रूप में हमारे पास आ गया है, ठीक है। मेन टॉपिक में है एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल होता क्या है, सूत्र C2H5OH, ठीक है, आपने जानते हैं, आप बहुत बार आपने सुना होगा एथिल एल्कोहल के बारे में, ठीक है। संरचना सूत्र क्या होता है बेटा, तो ये कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, 5 हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5 हाइड्रोजन, तो ये बना लो H, ये हो गया H, ये हो गया H, H और H, और एक हो जाएगा बेटा ये OH। तो ये हो गई इसकी संरचना सूत्र, ठीक है। आगे है IUPAC नाम, ठीक है बेटा, IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा IUPAC नाम। क्यों हो जाएगा एथेनॉल, जानते हैं, एथेन और ये OH समूह जो जुड़ता है ना, OH के लिए लिखते हैं बेटा आल, क्या लिखते हैं, आल, और दो कार्बन है इसलिए क्या आएगा, एथेन, ठीक है, C2 है इसलिए एथेन, तो एथेन, एथेन और आल बराबर एथेनॉल। आगे की ओर बात करें, अन्य नाम, इसके अन्य नाम भी है, इसे शराब के रूप में भी उपयोग करते हैं इसलिए इसे शराब कहते हैं, सोमरस भी कहते हैं कई लोग, है ना, और बेटा इसे द्राक्षसौ भी कहते हैं, द्राक्षा सौ, और स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये शराब, सोमरस, द्राक्षसौ का ये जो बनते हैं, ये किससे बनते हैं, एथिल एल्कोहल से ही कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं, बनते हैं, इसीलिए इसे स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था एथिल एल्कोहल का एक जनरल परिचय। थोड़े और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आते हैं आगे की ओर, और है एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां या बनाने की विधियां। तो एथिल एल्कोहल को बनाने की विधियां, सबसे पहले बनाना है एथिल ब्रोमाइड की NaOH से क्रिया के द्वारा। तो बेटा एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br की क्रिया अगर NaOH से करा दे, किससे करा दे बेटा, NaOH से करा दे, तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम NaOH से करा दे तो क्या बनाना है, नाम लिखा है एथिल एल्कोहल, तो बेटा यहां पर क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। क्या हुआ कि यहां का OH यहां आया, तो बेटा निकल क्या जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, ये है आपका एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ठीक है बेटा, चले ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल, ठीक है। थोड़ा इन्हें छोटा कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो लिखने में, ठीक है। तो ये एथिल ब्रोमाइड की NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ये क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा। अब बेटा एथिल एसीटेट की KOH से क्रिया कराने पर, एथिल एसीटेट देखिए CH3COOC2H5, क्या नाम है बेटा, एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट, ये इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की क्रिया किससे करा रहे, हाँ दिख रहा है कि नहीं बराबर, हाँ एथिल एसीटेट की क्रिया, कलर मजेदार नहीं लग रहे बिल्कुल, है ना, एथिल एसीटेट की क्रिया KOH से कराते हैं, तो क्या बनाना है, बनाना तो तय है एथिल एल्कोहल बनाना है, तो बनाते C2H5OH। अब बेटा एथिल एल्कोहल यहां पर देखिए, ये और ये तो मिल गया, अब क्या बनेगा, तो जो जो बनेगा वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि एथिल एल्कोहल ये है आपका एथिल एसीटेट, क्या है बेटा,
एथिल एसीटेट है और उसके आगे क्या है, KOH, है ना। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर आगे की ओर देखिए, ये बच गया है और क्या बचा है, ये बच गया और ये देखिए इतना तो निकल गया। थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं, ये यहीं पर रखने, देखो कौन सा निकल गया। तो यहां से बेटा ये इतना, अच्छा ये एक ही कलर है, अच्छा 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 हाँ, यहां पर देखेंगे ये ऐसे है ना, ये इतना निकल गया, ठीक है। अब बचा ये, तो ये क्या करता है बेटा, देखेंगे C2, अच्छा CH3 है ना, हाँ CH3 COOK, तो क्या हो गया, ये हो गया एथिल एल्कोहल और ये हो गया पोटेशियम एसीटेट, है ना। अभी ये था एथिल एसीटेट, अब हो गया पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। तो ये बन गया आपका पोटेशियम एसीटेट और ये हमारा एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है। मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूँ, एथिल एल्कोहल नाम नहीं लिखूंगा, जगह बराबर हमारे पास नहीं बच पा रही, ठीक है। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, एथिल एमीन क्या है बेटा, एथिल एमीन C2H5NH2, ये है एथिल एमीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, तो एथिल एमीन की क्रिया, ठीक है थोड़ा ऊपर लिखते हैं ऐसे, C2H5NH2 एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन की क्रिया करा रहे हैं नाइट्रस अम्ल से, किससे बेटा, नाइट्रस अम्ल NHO2 से क्रिया करा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया हमने करा दिया। अब ध्यान से देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बनने क्या वाला है, एथिल एल्कोहल बनने वाला है, तो पता ही है C2H5OH, अब ये तो बन गया बेटा, ठीक है। यहां से इतना और यहां से अगर मान लो तो एक O निकला और एक H निकल गया, ठीक है। अब बेटा साथ में यहां पर निकलता है N2, ये तो मुझे पता है कि N2 निकलता है। अब जो बच गया उसे देख लो, ये निकल गया इतना, यहां से O, एक O निकल गया, अब क्या बचा, तो बेटा देखिएगा N2 मतलब ये N, ये N, तो यहां का H, यहां का एक H और ये एक H, तो दो H हो गए, है ना, तीन H हो गए, N N N, हाँ एक H यहां का एक H, तो ये निकला, तो बेटा यहां पर निकल जाएगा साथ में H2O, तो ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। एथिल एल्कोहल यहां भी बना लिया हमने, कैसे बना रहे हैं एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको तुरंत बता रहा हूं एक एक बातें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब बेटा है एथिल एसीटेल्डिहाइड या एथिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा, अब बेटा एसीटेल्डिहाइड क्या है, CH3CHO, और क्या है एसीटिल क्लोराइड मतलब बेटा CH3 है ना COCl, एसीटिल क्लोराइड, ठीक है। दोनों के ही द्वारा हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, दोनों के ही द्वारा एसीटिल क्लोराइड और एसीटेल्डिहाइड और एसीटिल क्लोराइड दोनों के ही द्वारा हमें क्या बनाना है, यहां पर बनाना है एथिल एल्कोहल, ठीक है। चले तो यहां पर बेटा क्या होता है, अपचयन किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो यहां उत्प्रेरक का उपयोग होता है दोनों में ही, यहां पर होगा निकिल उत्प्रेरक और यहां पर होता है सोडियम अमलगम, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा अमलगम, आप जानते हैं, हाँ अमलगम आप जानते हैं, है ना, NaH, ठीक है। अब बेटा यहां पर अपचयन की क्रिया होती है, यहां चार हाइड्रोजन का उपयोग होता है C2H5OH, और यहां पर भी अपचयन होता है, दो हाइड्रोजन का उपयोग होगा, अच्छा यहां चार होगा और हाँ चलो ठीक है यहां दो करो, और बेटा आगे देखते हैं, अभी बैलेंसिंग अगर नहीं होगी तो समझ में आ जाता है कि दिक्कत कहां है, ठीक है। तो बेटा यहां पर तो निकाल दिया हमने, ये यहां पर भी बनाएंगे यही C2H5OH, दोनों में ही हमने एसिटिक अम्ल बना लिया। अब बेटा एसिटिक अम्ल तो दोनों में बन गया, इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया, अब दोनों में बन गया, हाँ देखिए इसमें जो है, हाँ इसमें जो है बेटा यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा, ऐसे छोटा कर लेते हैं, ये क्लियरिटी से मिट जाएगा, यहां पर हाँ इसके दो अणु उपयोग होंगे और यहां इसके चार अणु उपयोग होंगे, अपचयन की प्रोसेस है, यहां पर उत्प्रेर की अपचयन हो रहा है, एक हो रहा है निकील की उपस्थिति में, एक हो रहा है
अमलगम की उपस्थिति में और दोनों में ही बनता है बेटा एथिल एल्कोहल, क्या बन जाता है एथिल एल्कोहल। तो यहां पर देखेंगे तो बेटा क्या है HCl, हाँ यहां पर केवल एक, देखिए HCl कैसे C2H5 तो 2H और यहां के कितने बेटा दो, तो तीन लेंगे तो यहां अब एक एच बचा, तीन ये और तीन ये छह, पांच और एक छह निकल गए, बचा एक एच और एक सीएल, तो एच सीएल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां, एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां, ठीक है, एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां पूरे समीकरण के साथ साथ हमने यहां पर कर लिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब है औद्योगिक निर्माण की विधि, एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधियां। अब यह औद्योगिक निर्माण कैसे होता है तो पूरी पूरी बात समझते हैं बेटा, एक एक बात मैं आपको बताता हूं। तो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त एथिलीन C2H4, क्या है बेटा ये एथिलीन, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त, कहां से बेटा पेट्रोलियम, हाँ लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, बता दे रहा हूं, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त एथिलीन, ठीक है, क्या लिया हमने एथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त एथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दिख रहा है के साथ। अब आगे की बात बताता हूं, 10 वायुमंडली यानी कि 10 वायुमंडली दाब पर, ठीक है 10 वायुमंडली वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है 60 वायुमंडलीय दाब पर और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपघटित करते हैं तो C2H5HSO4 बन जाता है, मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ऑक्सीजन देख लीजिए 4 है, है ना, पूरी पूरी चीजें बराबर है, यहां पर C2H यहां का एक गया 5, यहां एक H, बढ़िया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है ये बेटा एथिल हाइड्रोजन, है ना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये बन जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या करता है, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभी पुनः क्रिया हो तो बाद में करा लेंगे, चलो करा ही लेते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का अगर हम जल अपघटन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जल के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़े कि हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन किया तो हमें क्या मिल जाता है, फिर से एथिल एल्कोहल मिल जाता है। अब बेटा यहां देखिए ये और यहां से OH आ गया, ठीक है, इसे वैसे जल अपघटन में ऐसे लिख सकते हैं HOH, तो बेटा ये और ये निकल गए, अब जो बच गया ये अलग निकाल दो H2SO4। तो यहां पर ये प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी कि पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त एथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 वायुमंडलीय दाब और इतने ताप 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपघटित करते हैं जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं बेटा जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी एथिल एल्कोहल मिल जाता है। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ और भी एक प्रोसेस होती है कि और भी एक पदार्थ हमें मिल जाता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आगे अभिकृत करते हैं, है ना, थोड़ी एक प्रोसेस और बता रहा हूं। यहां पर देखिए C2H5HSO4 को पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपघटित करते हैं तो क्या मिलता है बेटा C2H5 2SO4 यानी डाई एथिल सल्फेट प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है डाई एथिल सल्फेट, क्या मिल जाता है डाई एथिल सल्फेट मिल जाता है। और इस डाई एथिल सल्फेट से भी देखिए अभी मैंने बोला कि इससे इसकी क्रिया कराए तो ये मिला, फिर से इसकी क्रिया अगर इससे कराते तो ये मिलता है, मतलब हमें
एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल सल्फेट दोनों ही मिल जाते हैं, क्योंकि विलयन में तो ये भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया करा रहे तो ये भी मिलता है, दोनों का ही मिश्रण। इसका भी क्या होगा बेटा, मिश्रण मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्रण। क्योंकि अगर ये बनता है तो विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल तो पहले से है, तो ये भी बन सकता है, तो ये भी बनेगा, तो ये भी बाद में क्या होता है, इसका भी जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जल अपघटन करेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये दो हैं डाई एथिल सल्फेट का, फिर से जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, C2H5OH। तो यहाँ इसके दो अणु ले लो, तो यहाँ इसके दो अणु निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये दोनों एक प्रोसेस है, ये दोनों ही जल अपघटन है। यहाँ पे ये भी जल अपघटन था, ये भी जल अपघटन, अपघटन की प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो बेटा अब देखिएगा, एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण, ये थी बनाने की पूरी विधियां हमने देखा। अब बात करते हैं एथिल एल्कोहल के भौतिक गुणों, क्योंकि भौतिक गुण में, भौतिक रूप में एथिल एल्कोहल दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए, तो मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव है, यानी रंग इसमें होता ही नहीं है, रंगहीन होता है और मीठी गंध इससे आती है। कैसी गंध आती है बेटा? मीठी गंध आती है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब तेज होता है, बिल्कुल तेज आता है, पीने पर नशा आता है ना। अब जिसने पिया होगा उसको पता है, जिसने नहीं पिया तो आपने देखा होगा पीने वालों को, एल्कोहल पीने वाले को क्या होता है, नशा आता ही है। जल में विलय होता है, साथ ही कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है। जल में तो विलय है ही, साथ ही कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है, ये बात की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आते हैं बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा, रासायनिक गुण। अब बेटा भौतिक गुण तो पढ़ा ही लिया हमने, अब पढ़ते हैं रासायनिक गुण कि एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण है क्या। तो सोडियम के साथ क्रिया किसकी? एथिल एल्कोहल की। किसकी बेटा? एथिल एल्कोहल की, एल्कोहल की। तो एथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ क्रिया, तो देखो C2H5OH क्या है, ये एथिल एल्कोहल की किससे क्रिया? सोडियम के साथ क्रिया। किससे क्रिया बेटा? सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, क्या बनता है? तो बेटा बनता है सोडियम एसीटेट C2H5, और क्या बन जाएगा आप, मैंने क्या बोला, क्या बनता है? सोडियम एथा ऑक्साइड, है ना, एसीटेट नहीं, सोडियम एथा ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एथा ऑक्साइड बन जाता है। तो बेटा यहां पर देखेंगे तो ये देखिए C2H5OHNA, और यहां पर निकलता है आपका, अब क्या बच गया, तो देखो C2H5 और भी यहां कुछ न कुछ निकलेगा, तो निकलेगा क्या इस बात का ध्यान रखें, तो यहां निकालते हैं H2। अगर H2 यहां निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, H2 अगर यहां से निकलता है तो क्या होगा देखेंगे। तो यहां पर ऑक्साइड, एथा ऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, NH बचा यहाँ बेटा, H बचा तो क्या होगा, तो यहाँ इसको दो लो, तो यहाँ इसको दो लोगे तो इसको भी दो लेना होगा, इसको दो लोगे तो ये तो पूरा हो गया, तो ये भी दो आ जाएगा और वहाँ पर H2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये भी बैलेंसिंग होगी। वैसे बैलेंस से हमारा कोई लेन देन नहीं होता है केमिकली रिएक्शनों में, हमें डायरेक्टली ये पता होना होता है कि बनता क्या है। तो ये क्या बचा, बना बेटा, है ना, ये बन गया आपका सोडियम एथा ऑक्साइड, ऑक्साइड सोडियम एथा ऑक्साइड, ठीक है, ये वाला जो बना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, फास्फोरस हेलाइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ बेटा, फास्फोरस हेलाइड के साथ अभिक्रिया क्या क्या यहां पर होने वाली है। तो फास्फोरस हेलाइड कौन कौन से, एक है, एक है PCl5 और एक है PCl3, दोनों के साथ ही हम क्रिया कराएंगे। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा C2H5OH की क्रिया, ठीक है, क्रिया किससे कराते हैं, PCl3 से करा लेते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, तो यहां पर देखें C2H5Cl बन जाएगा। अब क्या निकलेगा, तो निकलने वाला क्या है, तो देखिएगा यहां पर जो बना वो क्या है, एथिल क्लोराइड, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड यहां पर बन जाता है,
ठीक है। अब बेटा यहां पर साथ में निकलता है H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, पर यहां पर देखिएगा तो हाइड्रोजन की समस्या यहां बनने वाली है। क्लोरीन भी तीन है, तीन क्लोरीन को निकालने के लिए आपको तीन क्या करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा समूह। अब तीन क्लोरीन को निकालने के लिए यहां आपने जैसे ही तीन करे तो यहां भी, अच्छा यहां तो बिल्कुल क्लियर है उतना ही रहेगा। हाँ, तीन क्लोरीन आपके यहां निकल गए, PCl3 था। तीन क्लोरीन को निकालने के लिए आपने यहां तीन किया तो अब देखेंगे कि ये तीन समूह निकल गए तो यहां भी तीन करो, फिर यहां तीन करेंगे तो इस तरफ भी सीक्वेंस बिगड़ेगा। अब हाइड्रोजन देख लो कितने पहले, फिर आगे का मामला सेट करते हैं। 5 + 3 = 15 और 16 + 17 = 18 है, और यहां बेटा 5 + 3 = 15 = 16 + 17 = 18 ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। पी कितने हैं, यहां पर है एक, यहां पर भी एक, ठीक है। ऑक्सीजन गिन लो तीन, और यहां भी ऑक्सीजन तीन, बराबर है, मामला फिट है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बैलेंस भी है मजे के साथ। आगे बेटा PCl5 से भी करा लेते हैं, तो C2H5OH की क्रिया किससे कराते हैं, PCl5 से करा लेते हैं। अब PCl5 से जब कराएंगे तो क्या होता है, पूरी बातें यहां पर देखना है, ठीक है। तो PCl5 से कराते हैं, बनेगा C2H5OH साथ में POCl3 और बेटा साथ में निकलता है HCl, क्या निकल जाता है HCl। तो देखेंगे तो यहां पर, अच्छा एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल ही बना दिया मैंने, चले यहां बेटा Cl आएगा। अब एक Cl, तीन Cl और ये 5 Cl हो गए, 3 5 हो गए पूरे, और PO ठीक है, बराबर का मामला है, पूरा मामला सेट है ना। हाइड्रोजन भी यहां पर निकल गया है तो यहां दोनों में ही क्या बन जाता है बेटा, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। यहां पे भी ये एथिल क्लोराइड। तो ये है आपका रासायनिक गुण में पहला और दूसरा नंबर का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, और भी रासायनिक गुण है। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया किसकी, एथिल एल्कोहल की कराते हैं, C2H5OH। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल क्या है, तो एथिल एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, COOH यही है। अब बेटा यहां पर बनता क्या है, इस बारे में पहले सोच लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा और यहां भी ध्यान दीजिएगा, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। तो दोनों से देखिएगा तो यहां से क्या होगा बेटा, हाँ यहां पर देखिए तो इन दोनों से, यहां से OH, अच्छा इसे ऐसे लिख देते तो और अच्छा होगा, ठीक है। यहां देखो CH3 COO और यहां ले लेता हूं बेटा, यहां ले लेते हैं H, क्या ले लेंगे H, ये O, ये भी O और ये C और ये C, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, हाँ अब क्या होगा, यहां से निकल जाएगा बेटा ये H2O बन के बाहर। तो क्रिया में देखिएगा C2H5OOCCH3, मतलब ये क्या है, एस्टर है एक, ये जो ग्रुप है COO, ये COOR एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, इसे एस्टरीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एस्टरीकरण भी कहते हैं, ठीक है। और क्या निकल जाएगा, तो H2O बाहर निकल जाता है। अब है वी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला है, वी हाइड्रोजनीकरण। तो यहां पर ध्यान देंगे वी हाइड्रोजनीकरण में होगा क्या, तो C2H5OH कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला है वी हाइड्रोजनीकरण, और अपचयन में हाइड्रोजन छूटता है। तो बेटा यहां क्या बनेगा, C2H5, एक तो पहली बात हाइड्रोजन यानी H2 बाहर निकाल दो। अब H2 अगर बाहर निकला तो क्या बच गया बेटा, यहां H2 बाहर अगर निकल जाता है तो यहां बचेगा क्या, पूरी बात यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो पूरी बात यहां ध्यान से देखते हैं, तो H2 को बाहर निकाल दिया हमने, ये H2 बाहर निकल गया H2, तो क्या बचा, थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, यहां निकलेगा बेटा H2, ये 2H बाहर निकल गए, 1 और 2, तो बेटा यहां तो बचा है पहले CH3, ऐसे लिख देते,
एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन हमने लिख दिया, जबकि हाइड्रोजन थे टोटल छः, दो हमने बाहर कर दी। अब बचा और एक हाइड्रोजन, तो ये C, ये H और ये O, तो क्या बन गया बेटा, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड बन गया। आगे बढ़ते हैं क्लोरीकरण, क्या है बेटा क्लोरीकरण, मतलब क्लोरीकरण में क्या होगा, क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी। तो यहां लिखते हैं CH3CH2OH, क्या है ये भी इसी फॉर्म में लिखा है हमने, दो कार्बन तीन और दो पांच हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, मतलब ये भी एथिल अल्कोहल है, लिखा दूसरे तरीके से, ठीक है बेटा। अब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, किससे कराते हैं, क्लोरीन से करा दी जाती है। तो क्लोरीन से कराने पर बेटा सबसे पहले जो बनता है वो बनता है CH3CHO, यानी कि एसीटैल्डिहाइड, साथ में निकल जाएगा HCl, ठीक है, क्लोरीन से कराए और हमने क्या निकाल दिया HCl। थोड़ा सा यहां ध्यान दो कि क्लोरीन हाइड्रोजन कितने निकले, तीन और एक चार, तो यहां बेटा दो निकले ऐसे, तो यहां पर ठीक है, अब बराबर का मामला है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से बेटा यहां पर ये एसीटैल्डिहाइड की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे, फिर से क्लोरीकरण यहां पर हो गया, तो क्लोरीन से क्रिया फिर से कराए तो बेटा अब जो हो जाता है CCl3CHO, यानी ये बन जाता है क्लोरल, क्या बन जाता है क्लोरल, क्लोरल बन जाता है, अपचयन या नीचे कर लेंगे, है ना, क्लोरल बन जाता है और तीन HCl बाहर निकल जाते हैं। अब तीन HCl अगर बाहर निकलेंगे बेटा तो क्लोरीन कितने हो गए, है ना, ऐसे रखो HCl बाहर निकालो अभी, तो HCl बाहर निकल जाता है। अब बेटा तीन क्लोरीन तो यहां पहले ही निकल गए, एक निकल गया चार, तो चार निकल गए तो यहां तो है दो, तो दो है तो यहां पर ध्यान देंगे कि दो है तो यहां अगर दो करते हैं तो चार हो जाएंगे। अब चार हो गए, ठीक है, क्लोरीन चार हो गए, अब क्लोरीन अगर चार हो गए तो आप बाकी चीजें भी नोटिस करो, ऑक्सीजन एक है, बढ़िया। अब बेटा क्लोरीन कार्बन कितने, एक दो, दो ही हैं तो यहां पर एक दो, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन दो तीन और एक चार, तो हाइड्रोजन यहां एक और यहां दो ही निकला है, तो दो तो चार हाइड्रोजन करने के लिए यहां लगा लो, चार हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन है तो चार हाइड्रोजन के लिए यहां लिखेंगे एक उपयोग हुआ है और ये तीन, तो एक और तीन चार, पर चार जैसे ही यहां किए तो यहां हो गए बेटा चार हाइड्रोजन तो निकल गए, पर अब क्लोरीन हो गए तीन और तीन छः, छः हो गए तो यहां पर अब हमने किया तीन, अब मामला फिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बैलेंसिंग भी कर लिया। अब है अपचयन बेटा, अपचयन में क्या होगा, किसका अपचयन कर रहे हैं हम लोग, एल्कोहल का, ठीक है, एसी एथिल एल्कोहल का, C2H5CH3C2OH, है ना, या तो आप C2H5OH लिखो या CH3CH2OH लिखो, अपचयन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा अपचयन। तो अपचयन यहां पर करते हैं रेड फास्फोरस, ठीक है, किसके बेटा, ये अपचयन जो है वो लाल फास्फोरस, लाल पी लिख देता हूं, की उपस्थिति में कर रहे हैं HI के साथ, किसके साथ बेटा HI के साथ कर लेते हैं। तो यहां गर्म भी करते हैं, क्या करते हैं गर्म भी कर लेते हैं, तो एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है यहां पर एल्केन, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, नहीं तो वहां मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां बेटा ये CH3 और ये CH3, अब ये CH3 बच गया तो यहां निकलेगा क्या, ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से CH3, फिर ये यहां आ गया CH3, अब ये H बचा है और ये क्या है बेटा HI भी बचा है, तो बेटा यहां इसको दो लो और यहां निकाल दो 2H2O, अब 2H2 ये 2H और ये O, 2H2O निकल गया और बच गया I, तो ये 2IH2 करके बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से दिख रहा है पूरा क्या, हाँ बढ़िया दिखना चाहिए मगर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस पूरी पूरी, किसके निर्माण की बेटा, ये हो गई निर्माण नहीं सॉरी रासायनिक गुण किसके, एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण हो गए यहां पर हमने जो क्रिया कराई, ज्यादा है तो इसे डबल से कर देते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा बोल रहे हैं कुछ बच्चे, चले ध्यान से देखेंगे तो इसे डबल से कर लेते हैं, यहां पर ही इतने में ही इसे कंप्लीट कर लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है बेटा, HI 2HI है लिया है हमने, और यहां लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर एल्केन बन जाता है CH3CH3, ये क्या है बेटा एल्केन है, क्या ये एल्केन है,
और साथ में दो सॉरी H2O निकल जाता है और साथ में I2 भी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? I2, ठीक है, I2 भी निकल जाता है। तो ये हो गई प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से ये थे पूरे के पूरे एथिलेल को हल्के रासायनिक गुण। तो हमने बनाने की विधि पढ़ा, भौतिक गुण पढ़ा, रासायनिक गुण पढ़ा, अब बच गया एक और चीज जो है उपयोग। ठीक है, आते हैं बेटा एथिलेल को हल्के उपयोग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ये बहुत सारे उपयोग तो आपको पता भी कि शराब बनाने में होता ही है, अन्य एल्कोहली पेय बनाने में भी इसका उपयोग होता ही है। ठीक है, पावर एल्कोहल के रूप में इंजनों को चलाने, आने आंतरिक इंजनों को चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दवाओं को बनाने में, मेथिलेटेड स्प्रिट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पारदर्शक साबुन बनाना है तो भी इसका उपयोग होता है। घावों को धोने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ईथर, क्लोरोफार्म, एस्टिक अम्ल, आयोडोफार्म आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो बेटा आज जो हमने एस्टिक अम्ल और किडवन ऐसे मुख्य जो टॉपिकों को पढ़ा है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान से सारे सारे चैप्टर जो हम करते जा रहे हैं, पूरे के पूरे चैप्टरों को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आता है तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके पूछें कि सर यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम पूरा पूरा सिलेबस बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं। फ्री देने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जहां समझ नहीं आ रहा है वहां कमेंट करके पूछने भी बोल रहे हैं। तो बाकी अब बचता आपका काम है बेटा, ये तो हमारा काम है जो हम 100% आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो आपका अब काम है कि आप उसके बदले कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपका तो फायदा हो ही रहा है साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा होता रहे। मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, और भी इसके आगे के जो चैप्टर है उनकी बात हम करेंगे। और चैप्टर के साथ साथ इसमें अभी दो टॉपिक और भी है इस चैप्टर के, उनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। ठीक है बेटा, थैंक यू।